गाइस, आज का ब्लॉग जो है जल्दबाजी में घर से शुरुआत नहीं कर पाए, लेकिन रास्ते से कर दिया हमने स्टार्ट और फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहां से हमको निकलना है जयपुर खांडू श्याम के लिए। और अभी हमें बाहर रेलवे स्टेशन पर सतेंद्र जी पता नहीं क्यों उंगली दिखा रहे हैं और देखिए कितने टसर। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही। हमको छोड़ने आए थे विष्णु भाई साहब जो वापस जाने की तैयारी में है फुल। कब ले जाएंगे? अरे कब ले जाएंगे? इस पर बैठ के सफर करेंगे, आगे का सीन हम आपको आगे दिखाएंगे, है ना। ट्रेन निकल चुकी है, जैसे छुक 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 आते हम पहुंच गए जयपुर जंक्शन पर। जयपुर जंक्शन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी ट्रेन में, तो ज्यादा वीडियो बना नहीं पाए। जयपुर जंक्शन पहुँचने के बाद हम अभी बच चुके हैं सुबह के करीबन 5 है, तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम के लिए। हमने जो टैक्सी बुक की है वो जस्ट आने वाली है, हमने दोनों लोगों को यहाँ से उठाया है और उनको साथ लेकर हम जाएंगे जयपुर। तो फिलहाल हम गाड़ी में बैठ के जयपुर रास्ते पर निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे रास्ते से। देखिए कितने फसल में बैठा भाई। ओह भाई गुज्जा, वीडियो में तू ही गुज्जा जैसे घुसे जा रहे हैं सभी लोग। और फिलहाल लगभग हम जयपुर पहुंच चुके हैं, फाइनली तोड़ द्वार पर पहुंच गए। तोड़ द्वार पर पहुंचते ही भाई सभी लोगों ने अपने अपने फोन निकाले, कोई फोटो कोई वीडियो शूट करने लगा। और वीडियो फोटो फुटेज होने के बाद फिर हम सीधे पहुंचते सीधे श्याम कुंड में। हमने पवित्र जल से सीटें वगैरह मार कर हमने सभी को पवित्र किया, खुद भी हुए। यहाँ से निकलने के बाद सीधे हम पहुँच गए मंदिर में। मंदिर की लाइन काफ़ी ज़्यादा थी, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा थी, पर धीमे 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 चलते गए। और पीछे भी ब्लॉगर भाई साहब लगे हुए हैं, सतेंद्र भाई साहब, और काफ़ी लोग आगे भी हैं पीछे भी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। लेकिन फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद हमने खाटू जी के दर्शन किए श्याम जी के, और उसके बाद हम पहुँचे सीधे बड़े वाले श्याम कुंड में। बड़े वाले श्याम कुंड में देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे छोटा सा ब्लॉग बनाया हम लोगों ने, काफ़ी मस्ती की, काफ़ी लोग मस्ती कर रहे थे वहाँ पे पानी में, हमने भी काफ़ी मस्ती की। वहाँ पे मस्ती करने के बाद सीधे हम निकल गए अपने वापस आ गए। वापस आके प्रस्थान करके अपने घर की तरफ, घर आने के बाद यही ब्लॉग होता है समाप्त। धन्यवाद।